बागवान साथियों, आज भी मैं एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बागवान साथियों, अप्रैल मई महीने में अनेक प्रकार के परजीवी कीट एप्पल प्लांट में आ जाते हैं और उनमें से एक बहुत ही हानिकारक जो कीड़ा है वो है ब्लियोफिड, जिसका प्रकोप आजकल अत्यधिक बढ़ जाता है। ब्लियोफिड के लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पौधे की तने से एक वॉट शूट को काटा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बर्फ की फाँव की तरह और रुई की तरह ये बिल्कुल इसके सिम्टम हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। ये रुई की तरह ये लार्वा, ये रुई की तरह इसलिए ये कीट छोड़ता है क्योंकि इसके बीच में कीड़ा रहता है और अपना सुरक्षा कवच के रूप में इस रुई के अंदर वो अपने को बचाए रखता है। तो ये परजीवी कीड़ा एक ऐसा कीड़ा है कि ये साल के लगभग 13 बार अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है और पैदा होते ही 24 घंटे बाद ये इस प्रकार की रुई को छोड़ना शुरू कर देता है। और रुई को इसलिए छोड़ता है कि इसके अंदर अपने आप को ये बचा के रखता है, अपना सुरक्षा कवच बना के रखता है। तो बागवान साथियों, गर्मी के दिनों में जब पत्ते होते हैं प्लांट में, रस होता है, तो ये नीचे से प्लांट की तरफ आगे चढ़ना शुरू कर देता है और पौधों की टहनियों में ये चिपका हुआ रहता है और पौधे की छाल को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ पौधे की शाखाओं को, पौधे के तने का ये रस चूसता है और ये क्या करता है कि इससे अगले साल की फसल के लिए भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो अगले साल के लिए बीम बनने हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि ये कीड़ा जो है इतनी तेज़ गति से फैलता है कि इसका प्रकोप जब बढ़ जाता है तो ये जब इसकी एक लेयर जैसी बन जाती है पौधे में और पौधे का ये रस इतना चूस लेता है कि पौधा जो है अगली साल का जो उसका बीम फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बाधित हो जाती है और बीम मजबूत नहीं हो पाते। तो बागवान साथियों, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जहाँ तक इसके उपचार की बात है कि कीटनाशक करना उचित नहीं है, लेकिन जहाँ इसका प्रकोप बढ़ गया है वहाँ कहीं हद तक इसको कंट्रोल करना जरूरी ही होगा। और इसके लिए बागवान साथी ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जहाँ ये रुई और ये ब्लियोफिड लगा हुआ है वहीं पर ही वो स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये नीचे भी ज़मीन पर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कीड़ा घास पर नहीं लगता, घास के जो इसकी बिल्कुल सरफेस के साथ लगता हुआ जो है जगह है घास की, वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये कॉन्सेंट्रेट होता है जो पौधे के जो जड़ों से निकले हुए वाटर शूट उस पर कंसंट्रेट करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने
पीछे सर्दियों में ये सारे वाटर शूट रहने दिए। अभी ये कीड़ा इस वाटर शूट में जब पत्ते आए तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो मैंने इसको पहले भी इसको इंसेक्टिसाइड डाल करके इसको कंट्रोल किया था, लेकिन अब भी ये अभी समाप्त नहीं हुआ, ये ज़मीन से ऊपर को निकल रहा है। तो इसको यहीं कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ों में यहीं पर ही ज़मीन पर ही इसके लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए बागवान साथियों, इसके उपचार के लिए आप प्रोफेनोफॉस और साइफरमेथ्रिन नामक एक इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोफोरीफास भी आप कर सकते हैं, और भी काफ़ी इंसेक्टिसाइड है जिसको आप इसको कंट्रोल करने में आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पौधे में तो बागवानी विभाग भी सिफारिश नहीं करता कि आजकल स्प्रे करें, बल्कि जहाँ जहाँ इसका इन्फेक्शन हुआ, इसका संक्रमण हुआ है, वहाँ वहाँ ही उसी पार्टिकुलर हिस्से में ही इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए ये जो प्रोचॉइस या क्लोरोफोरीफॉस, इसको अनेक जिस जैसे इसकी डोज है उसके अनुसार इसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्लोरोफोरीफॉस को 400 ml पर 200 लीटर पानी में मिला करके इसकी स्प्रे नीचे सरफेस में भी ज़मीन में की जा सकती है, जहाँ ये कॉन्सेंट्रेट हुआ, जो वाटर शूट निकले हुए ज़मीन में उसको मैंने पहले नहीं काटा, वहाँ कॉन्सेंट्रेट हुआ, और यदि ये नहीं होते तो ये पौधे में चढ़ जाता। तो मैंने इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नीचे जो वाटर शूट रखे और उसी में ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, और वहीं मैं इसको किल कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए प्रोचॉइस 250 ml पर 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसकी स्प्रे करूंगा। तो बागवान साथियों, यदि यहाँ से ऊपर चले जाए तो ये शाखाओं में रहेगा, और सर्दी में जब ये लीफ फॉल होगा तो उसके साथ नीचे गिर जाएगा ये, और ज़मीन के अंदर ही ये जीवित रहता है और ये मरता नहीं है, और जड़ों के लिए भी ये सर्दियों में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, वहाँ से भी रस चूसता है और जड़ों को भी ये काफ़ी कमज़ोर कर देता, और वहाँ गांठें बन जाती हैं, पौधे में भी गांठें गांठें बन जाती हैं, और जो इसके पौधे की जो सेफ लेने की क्षमता है वो बाधित हो जाती है, उसको नुकसान हो जाता है। इसलिए बागवान साथियों कि इसको वूली एफिड को ज़रूर कंट्रोल करें। यदि आप चाहते हैं कि इसको ज़मीन में ही कंट्रोल करना है तो आप पौधे में ना करें स्प्रे, बल्कि इसके अतिरिक्त आप जो है ज़मीन पर ही कीटनाशक की स्प्रे कर सकते हैं, और इस वूली एफिड नामक कीड़े को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ये ऊपर पौधे में चढ़ गया तो ये इसमें पौधे की छाल में भी जीवित रहेगा, और पौधे की छाल को भी ये चूसता रहता है, इसके साथ साथ शाखाओं को भी ये चूसता रहता है, और पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बागवान साथियों, ये इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। वूली एफिड एक ऐसा कीड़ा है कि जो कि साल के लगभग 13 बार अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और पैदा होने के 24 घंटे के बाद ही ये एक सफ़ेद रुई की तरह एक ऐसा एक पदार्थ निकाल देता है जो अपना एक सुरक्षा कवच के रूप में उसके अंदर छिपा रहता है ये। और ये कीड़ा इस
रुई के अंदर बिल्कुल छिपा रहता है और अपने को बचाए हुए रखता है। इस में आप इसके सिम्टम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वाटर शूट तोने में रखा था और इसके लिए ही कंसंट्रेट हो गया है। यदि ये वाटर शूट मैंने नीचे तौली में नहीं रखे होते तो ये जाकर के पौधे में चले जाता। तो इसलिए बागवान साथियों, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैंने बोली एफर्ट के संबंध में आपको जानकारी दी, तो अगली बार मैं एक विशेष वीडियो के साथ और विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।